धरती माता, हे भारत माता, हमें शक्ति दो कि मैं इस आतंकवादी का सर्वनाश कर सकूं। मैं इस आतंकवादी को भागने ना दूं, नहीं तो ये अपने मन की बात करने में सक्षम हो जाएगा। ए धरती माता, हमें क्या करते बॉस, आप टेंशन मत लीजिए। अगर अल्लाह की मेहरबानी होगी तो हम हिंदुस्तान की राजधानी को बहुत जल्दी दहला देंगे। एक बार में हम लोग पांच पांच जगह बम फोड़ेंगे साला। चिंता मत कीजिए, हम इन हिंदुस्तानी लोगों को चैन से जीने नहीं देंगे। गॉड गॉड, होशियारी से, जब तुम हिंदुस्तान के अंदर घुस गया तो तुझे हिंदुस्तान में बम फोड़ना ही होगा, और वो भी होशियारी से। बर्बाद कर दो हिंदुस्तान को, बर्बाद कर दो। आबोस, जंगल में आज रात तक सारे बम तैयार कर देंगे, ओके हो जाएंगे। ईसा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो आज रात को ही सारे बम फिट करवा देंगे और फिट कर देंगे, और कल पांच पांच जगह बम फटेंगे बॉस, पांच पांच जगह बम फटेंगे, और यहाँ के लोगों का जीना हराम कर देंगे बॉस। अरे बाप रे बाप, ये तो आतंकवादी लगते हैं, पूरे शहर को उड़ाने की बात कर रहे हैं। पुलिस को फोन कर देना, जल्दी जल्दी चलना पुलिस के पास। सर, सही में सर, हाँ है। सर
सर उधर की साइड देखिए, उधर की साइड। अरे तुमने देखा है? हाँ सर, इधर से सीधे जाकर थोड़ा उधर चले आना। वो लोग बैठ के देश के ढलाने की बात कर रहे हैं सर। सर इससे ही पूछ रहे सर। हाँ। और सर सावधान से जाना सर, वहाँ पे कुछ बात चल रही है सर, प्लानिंग चल रही है बॉम्ब की। इधर ही है ना? हाँ सर, उधर से उधर चले हैं, बैठ के बात। आओ देखते सर, हम लोग चले जाए। तू लोग जा, सर समझदारी से रहिएगा, औलाद बचेगा नहीं हमारे हाथ। हिंदुस्तान की दहलाने की बात सोचता है, साले को हम दहला देंगे उसे। हवलदार आ जा। सर आ जाओ, आज देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल तैयार है सर। भारत की माता के लिए तैयार हो, बिल्कुल तैयार है। देश के लिए सभी होना गर्व की बात है सर, गर्व की बात है। हेलो बॉस, कल सुबह होते होते हिंदुस्तान को काली रात में बदल दूंगा और पूरा शहर समझ लो तबाह हो जाएगा। बॉस देख लेना, कल 100% हो जाएगा। सबको मातम में बदल दूंगा मैं कल। मैं सब तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अरे मैं एक हिंदुस्तानी सिपाही हूँ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कल की सुबह तू देख नहीं पाएगा। और तू हिंदुस्तान को दहलाने की बात करता है और तू शाम की बात करता है, मैं तुझे अभी काल रात्रि में भेज देता हूँ। ज्यादा मुंह मत फाड़, अभी जैसे जो भजन कीर्तन हो रहा है ना, इसे मातम में बदल दूंगा। कमीने, मैं एक हिंदुस्तान का सच्चा सिपाही हूँ, तुम आज नहीं बचने वाला है मेरे हाथों से। तूने मेरे साथी को मार दिया, अब तू भी गोली खा। हवलदार तुझे गोली लग गई? जी सर, गोली लग गया सर। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस धरती माता की सौगंध है, मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा और इसी तरह से अपने देश की सेवा करता रहूंगा सर। मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ सर। नहीं छोड़ूंगा सर, भाग कर जाएगा कहा साला। जी सर। तूने मेरे एक साथी को मारा, मैंने भी तेरे एक साथी को मारा, हिसाब किताब बराबर। भाग जा, कद तू भी मारा जाएगा। हिंदुस्तानी सिपाही कभी पीठ दिखा कर नहीं भागता, अपने सीने पर गोली खाने का भी दम रखता है और गोली मारने का भी दम रखता है। ये तो तू भूल जा, जब तक हम कश्मीर नहीं ले लेंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे कहीं भी, हमने कसम खाई है कि हम मरने वाले नहीं है। अभी तो हम पाकिस्तान का झंडा लहरा के ही छोड़ेंगे। कश्मीर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान का हिस्सा हमेशा रहेगा। उसकी तरफ अगर आंख भी उठा कर देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा मैं। ज्यादा डायलॉग बाजी मत कर, मैं हिंदुस्तान की सुपारी दे रहा हूँ तुझको, 5 करोड़ रुपए। तेरी कई पुष्टे खाएंगी बैठकर, जब भी नहीं खत्म होगा ये हिंदुस्तान और ये मिट्टी। मेरी धरती माता है और यही मेरी भारत माता है, और मैं अपने भारत माता की नाम की सुपारी नहीं लूंगा। और इनकी तरफ कोई आंख उठाकर घूरता है तो मैं उसकी आंखें निकाल कर अंधा बना देता हूँ, और आज मैं तुम्हें आंखें निकाल कर अंधा बना दूंगा। Oh.
अगर ये आतंकवादी बच गया तो हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा। नहीं छोड़ूंगा इसको। धरती माता की कलम नहीं छोड़ूंगा। धरती माता, हे भारत माता, हमें शक्ति दो कि मैं इस आतंकवादी का सर्वनाश कर सकूं। मैं इस आतंकवादी को भागने ना दूं, नहीं तो ये अपने मन की बात करने में सक्षम हो जाएगा। हे धरती माता, हमें ताकत दे। रुक जा, मेरी भारत माता जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगी। कमीने साले, रुक जा। अब तक जान है, इस भारत माता पर एक खरोच भी नहीं आने देंगे। खून का एक एक कतरा बहा देंगे। कितना लेगा? तुझे पहले बोला था ना, कितना लेगा बोल। 5 करोड़ रुपए बोला था ना तेरे को, 10 करोड़ ले ले, मगर मेरे मिशन को पूरा हो जाने दे। कमीने, मैं दल्ला नहीं हूँ, मैं तुमसे पैसा लेकर बिक जाऊंगा। ये भारत माता की खातिर मैं अपना जान दे दूंगा, लेकिन मैं बिकने वाला सिपाही नहीं हूँ। साला हिंदुस्तान की दहलाने की बात कर रहा था, मर गया साला। मेरा हिंदुस्तान अमर है और अमर ही रहेगा। इसको दहलाने की बात कभी मत करना, नहीं तो मर ही जाओगे। ये धरती माता कहाँ जा रहे हो आप लोग? हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक दोस्तों, नमस्कार।